उड़िया बाबा को भी एक उपासक ने प्रश्न किया था कि महाराज जी मन कैसे रुके, तो उड़िया बाबा ने उत्तर दिया नियम पालन से। यदि हम नियम पर दृढ़ रहें तो मन हमारा क्या कर सकता है, नियम तो परमात्मा देखता है, हम लोग नियम पर दृढ़ नहीं रहते, इसी से हमारे देश की दुर्दशा है। संध्या वंदन तक का नियम जाता रहा है, भजन करने के लिए नियम की बड़ी आवश्यकता। हाँ, बड़े नियम की आवश्यकता है। तो जैसे प्रातः काल से सायंकाल तक की हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है। तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले हैं, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। अगर आप अधर्म आचरण करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो आप सुबह जग करके थोड़ा माला चला लीजिए, फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आप अपने पद का, अपने सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि अधर्म आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है, और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं, और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जब महान है, उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। जब माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं है कि हमें कैसे चलना है, तो वो माला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका तभी सत्य भाव माना जाएगा माला जपला, जब धर्माचरण है। धर्माचरण नियम से बोले, वो बड़े कट्टर नियम वाले हैं, उनको घूस नहीं, आप उनको भयभीत करके नहीं काम करवा सकते, प्रलोभन में काम नहीं करा सकते। ये हमारी गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी के पालन के लिए धन चाहिए, और धन के लिए हम धर्म को आगे रखें, धन को नहीं।